नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नेशनल न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं तो देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलेगा। लखनऊ में 6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन चलाया जा रहा है। लखनऊ में सहारा अस्पताल, RML अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। KGMU और SGPGI में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन लगातार जारी है। तो अब तक तमाम ऐसे अस्पताल है जिसमें लोगों को ड्राई रन के तहत वैक्सीन का ट्रायल उन पर जांचा गया है और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। तो 6 ऐसे अस्पताल बताए जा रहे हैं लखनऊ के, जहां पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। 4 बजे तक ड्राई रन किया जाएगा। लखनऊ में सहारा अस्पताल, RML अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन जारी है और साथ ही KGMU और SGPGI में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन लगातार जारी है। 4 बजे तक कहा जा रहा है कि इन 6 अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन इसी तरीके से चलता रहेगा। 4 बजे तक का समय बताया जा रहा है और तब तक के लिए लोगों को निगरानी में ही अस्पताल में रखा जा रहा है जिन्हें भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ड्राई रन में क्या कुछ होगा आपको वो भी बता देते हैं। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम क्या होगा। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। कोल्ड स्टोरेज से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन को जिलों में पहुंचाया जाएगा। तो जिलों में पहुंचाने के बाद से वैक्सीन को जो ड्राई रन जारी है, वैक्सीन के पहुंचाने का काम मेडिकल टीम की निगरानी में ही किया जा रहा है। लोगों तक वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने की पहली परीक्षा ड्राई रन है। ड्राई रन में मेन डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में पहुंचाई जा रही है। वैक्सीन को लाने और पहुंचाने के दौरान तापमान का खास ध्यान रखना होगा। जिन्हें इस दौरान वैक्सीन लगनी है उन्हें MMS के जरिए बाकी के जो डिटेल्स है वो भेजे जाएंगे। इस MMS में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की डिटेल्स शामिल बताए जा रहे हैं। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम किया जाएगा। तो ड्राई रन में मेन डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद से उसका दौरा तापमान का भी ख्याल रखा जाएगा। तो यूपी के राजधानी लखनऊ में कुल 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। हमारे विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने PGI से ड्राई रन का जायजा लिया, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में ऐसे 5 अस्पताल हैं जहां पर ये कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। उस 5 अस्पतालों में एक PGI अस्पताल भी है, उसमें हम PGI में ही खड़े हैं। और ये PGI का पुराना OPD है जहां पर 124 बेड बनाए गए हैं। और इस समय आप देखें कि कोरोना वैक्सीन को जो लेकर ड्राई रन की शुरुआत हो रही है वो यहीं से आज ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। और यहां पर तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं ड्राई रन से लेकर उसको यहाँ पर शुरुआत की गई है। जैसे आप देखेंगे एक यहाँ पर काउंटर है, वहाँ पे एक नर्स भी खड़ी है कि किस तरह का ये फॉर्म है, किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसमें हम लोग पेशेंट का नाम लिखेंगे, डेट, काउंटर अंदर बने हैं 1, 2, 3, 4 करके, तो वहाँ यहाँ काउंटर नंबर डालेंगे और फिर अंदर उनको वैक्सीन लगेगा। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये सभी को यहाँ पर भरना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भरने के बाद ही आप यहाँ से अंदर जा सकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वार्ड बने हैं यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात है, क्योंकि लगातार जो ड्राई रन है उसमें तमाम बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी, तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आप इस वार्ड के अंदर जाएंगे, जहाँ पर बाकी जो काउंटर है, जो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और यहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर यहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में ड्राई रन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी चौकन्ना है। यहाँ पर जो वार्ड है यहाँ पर है, किस तरह का जो ड्राई रन की आज शुरुआत हुई है, किस तरह से तैयारियाँ हुई, किस तरह से क्या यहाँ पे अभी तक काउंटर बनाया गया है, क्या कैसे होगा सर ये वैक्सीन? काउंटर ये है, पहले तो वेरिफिकेशन होगा और हेल्थ केयर वर्कर के लिए अभी इनिशियली स्टार्टिंग है जो हम लोग को जानकारी है। सो
हेल्थ केयर वर्कर को पहले वैक्सीनेशन लगेगा एंड देन उसके बाद पहले वो वेरीफाई करेंगे वहाँ पे पहला काउंटर पे, दूसरा काउंटर पे वेरिफिकेशन है एंड तीसरा काउंटर पे वैक्सीनेशन है। ये जो पीछे काउंटर दिख रहा है किस तरह का काउंटर, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से काउंटर नंबर मिल जाएंगे, ये काउंटर नंबर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये काउंटर नंबर है, यहाँ पे वेरीफाई होंगे, सेम पेशेंट है, सेम नाम है, उनको बूस्टअप करेंगे, उनको कुछ गाइडलाइन बताई जाएगी, कुछ उनसे पूछा जाएगा कोई सिम्टम है या नहीं, बुखार हुआ कि नहीं, कभी कोई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो सारा जानकारी लेने के बाद ही तब हम उनको आगे भेजेंगे अगर वो फिट हुए। देखिए ये वो काउंटर बने हैं यहाँ पर, जब आप रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उसके बाद ये काउंटर बने हैं यहाँ पर, वो वेरिफिकेशन होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्टरों के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है जहाँ पर फाइनली आपको वैक्सीन लगेगी उसके बाद वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये पैसे देख रहे हैं, ये वही है जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। सबसे पहले आप जब इस PGI में आएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो एक काउंटर है वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा और सबसे अंतिम में जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपका वैक्सीन लगेगा वो सबसे लास्ट काउंटर है। आप देख रहे हैं कि हर जगह से जो सिक्योरिटी है वो तैनात है, किसी को भी ऐसे जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो रूम है ये फाइनली काउंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो सर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो ड्राई रन है और ये वैक्सीनेशन है ये कितने प्रोसेस में यहाँ तक आदमी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हर एक चीज़ के लिए फॉर्मेट्स बने हुए हैं उस पर एंट्री करके फिर यहाँ आएंगे। एक बार में कितने लोग को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा जाएगा उनको? ऑब्जर्वेशन के लिए 30 मिनट्स के लिए रखा जाएगा। क्या उसका भी अलग बेड्स यहीं आस पास है, कैसे क्या उसको करेंगे? बगल में वो उसका पूरा एक फॉर्मेट सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है और उस प्रोसेस फ्लो के हिसाब से ही चलेगा। एक सेशन में 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा और उनका ऑनलाइन एंट्री भी हो रहा है कोविन पोर्टल के माध्यम से। देन वो लोग अपना आएंगे तो पहले उनको वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा, वहाँ से फिर वो लोग आएंगे टीकाकरण कराने के लिए वन बाय वन। देन यहाँ से टीकाकरण होने के बाद और ऑनलाइन NM एंट्री कर देंगे कोविन पोर्टल पे। देन उसके बाद में वो लोग ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे, ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट्स के लिए उनको रखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं आती तो देखें वो पूरी तरह से। ये पूरा प्रोसेस है, तो उसका आज ड्राई रन था लखनऊ में जिसको कि सफलतापूर्वक 6 जगह कराया गया है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी, यहाँ तमाम जो डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में ये वैक्सीनेशन जो कार्य है वो संपन्न होगा। उसके बाद उनको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, कहीं कोई एलर्जी नहीं है, कोई नहीं साइड इफेक्ट नहीं है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जो मरीज आएंगे वैक्सीनेशन के लिए उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ड्राई रन था वो सफल रूप से चल रहा है, तमाम डॉक्टरों की निगरानी में, तमाम अधिकारियों की निगरानी में वो ड्राई रन चल रहा है। ऑब्जर्वेशन के लिए यहीं पे व्यवस्था की गई है, ऑब्जर्वेशन भी है जहाँ पर मरीजों को रखा जाएगा, जब उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी उसके बाद उनको डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, किस तरह से उन पर जो वैक्सीन दी गई उसका क्या रिएक्शन है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और अंत में जो 55 साल के लोग हैं उनको ये दिया जाएगा। और आप देखें ये ऑब्जर्वेशन वार्ड है जहाँ पर बेड लगाए गए हैं, जो वैक्सीन दी जाएगी उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाएगा आधे से एक घंटे के लिए, उन पर तमाम जो वैक्सीन दी गई उन पर कोई एलर्जी ना हो, इसका यहाँ पर वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तमाम तैयारियाँ हैं, जो तमाम ड्राई रन को लेकर उत्तर प्रदेश में है, PGI में पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है और डॉक्टरों की निगरानी में ये ड्राई रन संपन्न किया जा रहा है। राहुल श्रीवास्तव, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में फ्री लगेगी वैक्सीन। हर्षवर्धन का कहना है पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री कोरोना वैक्सीन। हमारी वैक्सीन का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा है।
तो डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ये बयान जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों से अफवाहों से बचने की अपील भी की है। आज देश के 116 से ज्यादा जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन लगातार जारी है। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर, सर एक मिनट, सर भारत सर हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर, सर एक मिनट। तो वहीं आज दिल्ली में जिन अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है, वहां पहुंचकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जायजा भी लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज पूरे देश में, सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में, लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहाँ की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी तीन स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में, 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की। WHO ने फिर योगी सरकार की पीठ थपथपाई है। बेहतर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर योगी मॉडल की तारीफ की, संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए कदम की तारीफ की है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का UP मॉडल काफी कारगर साबित रहा है। बेहतर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर योगी मॉडल की तारीफ की है WHO ने। एक बार फिर से योगी सरकार की पीठ थपथपाने का काम WHO ने किया। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जो कदम यूपी सरकार ने उठाए थे उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। खबर सहारनपुर से, जहां एक बुजुर्ग में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण नजर आए। यूके से आए बुजुर्ग का सैंपल लेकर लखनऊ भेजा गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के इंटरनेशनल वार्ड में बुजुर्ग भर्ती बताया जा रहा है। संपर्क में आए लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। 20 दिसंबर को यूके से लौटा था 60 साल का बुजुर्ग, जिसके बाद से नए स्ट्रेन की उसमें पुष्टि की गई और तुरंत ही जैसे इस बात की जानकारी अधिकारियों को मिली, प्रशासन हरकत में आई और तुरंत ही उन्होंने बुजुर्ग का सैंपल लेकर के उसे एडमिट कर दिया दूसरे जगह पर, जिसके बाद से जो लोग उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पाए गए उन सभी लोगों के सैंपल अब इकट्ठे किए जा रहे हैं और लखनऊ भेजा जा रहा है। तो सहारनपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 60 साल के बुजुर्ग में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए हैं। सहारनपुर में एक बुजुर्ग में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। यूके से आए बुजुर्ग का सैंपल लेकर लखनऊ भेज दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के इंटरनेशनल वार्ड में बुजुर्ग की भर्ती कराई गई। संपर्क में आए लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। 20 दिसंबर को यूके से 60 वर्षीय ये बुजुर्ग वापस लौटा था, जिसके बाद से उसमें कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिलने के बाद यूके से आए बुजुर्ग का सैंपल लेकर लखनऊ भेज दिया गया है, जिसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल वार्ड में बुजुर्ग को भर्ती किया गया है और संपर्क में जो भी लोग इस बुजुर्ग के आए थे उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। 20 दिसंबर को यूके से 60 वर्षीय ये बुजुर्ग लौटा था, जिसके बाद से इस बुजुर्ग में कुछ समय बीतने के बाद ही कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण नजर आए, जिसके बाद तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके सैंपल लिए गए और जो लोग उसके संपर्क में आए थे उनके सैंपल्स भी ले जा करके
अब लखनऊ में भेजे जा चुके हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। तो 20 दिसंबर को यूके से बुजुर्ग लौटा था वापस। सहारनपुर से खबर सामने आई है और इस पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता गौरव सैनी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस जो बुजुर्ग में जो कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि की गई है, क्या इसमें कोई नए लक्षण देखे गए और कैसे इसे पता चला कि यह कोरोना का नया स्ट्रेन ही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सहारनपुर में इंग्लैंड से सहारनपुर आए एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए व्यक्ति को सैंपल लेकर लखनऊ भेजा गया है, जिसमें की सक्रिय व्यक्ति को कोविड अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज के इंटरनेशनल वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। वही व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य टीम ने सैंपल ले लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के मुताबिक नेहरू मार्केट निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति 20 दिसंबर को यूके के इंग्लैंड से सहारनपुर आए थे। इस दौरान पड़ोसी ने व्यक्ति के इंग्लैंड से आने के बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम में खलबली मच गई थी। लेकिन अभी तक इसमें कोई मतलब जो नए स्ट्रेन के हैं कोरोना के लक्षण वो नहीं पाएंगे, लेकिन जांच इसकी सैंपल की जांच करके लखनऊ भेजा गया है। गौरव, वैसे आपसे ये जानकारी भी चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में अब तक कितने लोगों का पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो जानकारी आई है इसमें कि ये व्यक्ति इंग्लैंड से आया था और इसी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसके सैंपल लिए गए थे। सैंपल लेने के बाद इसके और जो आसपास के जो पड़ोसी थे उनके सैंपल लिए गए हैं 4-5 लोगों के, जिसके बाद उनको लखनऊ भेजा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। खबर मेरठ से, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश मोमीन उर्फ पापड़ घायल हो चुका है। तो मौके से बाइक, तमंचा और गोकशी के औजार भी बरामद किए गए हैं। कुख्यात पापड़ के खिलाफ 20 से अधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज बताए जा रहे थे। तो 20 मुकदमे कुख्यात पापड़ के खिलाफ दर्ज थे, जिसके बाद से पुलिस लंबे समय से इस आरोपी को गिरफ्तार करने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी, जिसके बाद से पुलिस और गौ तस्कर के बीच ये मुठभेड़ मेरठ में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश मोमिन उर्फ पापड़ घायल हो गया। मौके से बाइक, तमंचा और गोकशी के औजार भी बरामद पुलिस ने किए हैं। तो मेरठ से खबर सामने आई है, जहां पर गोकशी करने वाला जो तस्कर बताया जा रहा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और पुलिस और गो तस्कर के बीच में पहले मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद से घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उसके पास से बाइक, तमंचा और गोकशी बरामद किया गया है। खरखौदा थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि ईक के खेतों में 4-5 लोग इकट्ठा हैं, जो कि गोवंशीय पशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग इंजेक्शन देके इन गोवंशीय पशुओं को बेहोश करते हैं और उनका वध करके उसके मांस को बेचते हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचा गया। पुलिस के पहुंचते ही इन व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोमिन उर्फ पापड़ है, ये व्यक्ति घायल हुआ है, इसके पाँव में गोली लगी है। तत्काल इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एवं दूसरा व्यक्ति जिसका नाम आस मोहम्मद उर्फ आशु है, ये भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों व्यक्तियों के पास से 2 तमंचे, वध करने के औजार और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई है। इस पे अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा मेरठ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पुलिस ने जो 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, यहाँ पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो दूसरे बदमाश के पास है क्या पुलिस अभी पूछताछ कर रही है? और जो गौ तस्कर के आरोप इन पर लगे हैं, कितने लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी? पुलिस ने बताया कि ये पिछले काफी समय से गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साथ ही एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, दूसरे व्यक्ति को नॉर्मली गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस ने किडनैप हुए बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने 36 घंटे में कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया है, बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। न्यूज वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद एक्शन में आई थी पुलिस। एसपी और एएसपी ने बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। स्वॉट टीम पठेराव और कसाया पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में किडनैपर्स ने कुल 20 लाख की फिरौती भी मांगी थी। तो कसाया थाना क्षेत्र के NH 28 की ये वारदात बताई जा रही है, और साथ ही वरदान हॉस्पिटल के पास बच्चे की बरामदगी की गई थी। तो DIG और SSP ने पुलिस टीम को 50,000 का पुरस्कार भी दिया। तो कुशीनगर में पुलिस ने किडनैप हुए बच्चे को बरामद कर लिया है, जिसके बाद से उसके परिजनों को सौंप भी दिया। पुलिस ने 36 घंटे में ही बच्चे को सकुशल बरामद किया है, और बरामदगी के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। न्यूज वन इंडिया के खबर दिखाने के बाद से पुलिस हरकत में आई थी। SP और ASP ने बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। अमरोहा में पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी है। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का ये पूरा मामला है, और अमरोहा से वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इस दुकान में आग लगी और आग की लपटें कितनी ऊंची उठ रही है, ये आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से इस दुकान में आग लगी है। वो भीषण आग लगने का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरे तरीके से दुकान के अंदर आग लगी है। अंदर लो जाइए ना भाई। खत्म हो जाओ। तो अमरोहा में पेंट के एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से कड़ी मशक्कत की गई आग पर काबू पाने के लिए। लाखों का सामान इसमें जलने की आशंका जताई जा रही है। तो नेशनल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।